व्यवहार न्यायालय जामताड़ा के स्थापना में चालक पद पर कार्यरत बम शंभु दत्त मिश्रा को 2005 में बिना नोटिस के निकाल दिया गया था। उस समय से अब तक कोर्ट में केस लड़ लड़ के थक हार कर राजभवन के समक्ष धरना पर बैठ गए हैं। इनका कहना है कि इतने दिनों में जो हमारे क्षति हुई है उसका भरपाई सरकार करे। और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। देखिए, मैं राजभवन के समक्ष पिछले 20 तारीख से हूँ और आज जो है 20 दिन होने जा रहा है ना। और हमारी मांग 3 सूत्री मांग है माननीय राज्यपाल महोदय से कि मेरे विरुद्ध जो टीए बिल का मामला जो 318 रुपये की जगह पर 440 रुपये 40 पैसे की निकासी जिला एवं सत्र न्यायाधीश जामताड़ा के द्वारा की गई थी, उसमें न मेरा कहीं कोई सिग्नेचर है न मेरे हैंडराइटिंग से बिल था, तो किस प्रकार से निकासी हुई? और निकासी होने के बाद उन्होंने आनन फानन में वापस भी ट्रेजरी में जमा कर दिया, यानी अपनी गलती को छुपाने के लिए और बदले की भावना से प्रेरित होकर के मेरे ऊपर विभागीय कार्रवाई की गई, सस्पेंड किया गया, नौकरी से हटाया गया, डिसमिस किया गया, मतलब तमाम कार्रवाइयाँ की गई अपनी गलती को छुपाने के लिए। उसके बाद मैं इस बात को लेकर के हाई कोर्ट में मामला WPS 3795/2006 में दाखिल किया, जिस पर आदेश 2020 में जाकर के हुआ। इतने वर्षों तक हमने उस न्याय की प्रतीक्षा में अपने मतलब इतना टेंशन तनावपूर्ण और सामाजिक मानहानि सबका सामना करते हुए हमने प्रतीक्षा किया और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जब आदेश दिया कि इनका फाइनल डिस्पोजल 8 दिसंबर 2020 को किया जाएगा, तो उस आदेश को भेजने में जो वहां का रजिस्ट्री है, रजिस्ट्रार जनरल का ऑफिस है, उसने मेरे साथ साजिश का शिकार हमको बनाया। यानी कहा जाए तो हाई कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ का जो रजिस्ट्री का ऑफिस है, वहाँ से लेकर के जामताड़ा जिला एवं सत्र न्यायाधीश का प्रशासन तक, विभाग तक, मेरे खिलाफ टोपी टोपी एक है। ये सभी लोग एक हो गए अपनी गलती को छुपाने के लिए। तो इस प्रकार से मेरे जिंदगी ही नहीं, हमारे साथ हमारे दो जनरेशन को इन लोगों ने बर्बाद किया। लोग न्याय के लिए न्यायाधीश के यहाँ दरवाज़ा खटखटाते हैं, न्यायपालिका में जाते हैं, मैं जनता की अदालत में ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए राज्यपाल के समक्ष आया हूँ कि अब न्यायपालिका भी अछूता नहीं है, वहाँ भी भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है। और मेरे जैसे एक पढ़े लिखे शिक्षित बेरोजगार को जब झारखंड राज्य बनने के बाद हाई कोर्ट के वैकेंसी से हमारी नौकरी हुई थी, मैं यहाँ का एक पढ़ा लिखा रांची का स्थानीय युवक था, बचपन से मैं यहाँ रहा और ड्राइवर के पद पर हमने वैकेंसी कंपटीशन दे करके उस नौकरी को हासिल किया। लेकिन जाति धर्म क्षेत्र भाषा की जो राजनीति है, ये कहीं न कहीं न्यायपालिका में भी व्याप्त है, जिसके कारण मेरे पीछे एक लंबी साजिश के तहत मुझे बर्बाद करने का इन लोगों ने बीड़ा उठाया। इन तमाम बातों को लेकर के मेरी जो मानहानि हुई है, मानसिक क्षति, शारीरिक क्षति, हमारे आश्रितों ने जो क्षति उठाई, उसके भरपाई के लिए 2 करोड़ रुपये का अनुग्रह राशि राज्यपाल महोदय से हम मांग किए हैं। इसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो और उस टीए बिल की निकासी की जांच CBI से कराई जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।